हेलो, डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग में इस वीडियो लेक्चर में हम तीन डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे डाटा माइनिंग के। डाटा माइनिंग के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं और डाटा माइनिंग के टास्क क्या क्या होते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन से। सो मैंने यहाँ पे कुछ इसकी एप्लीकेशंस लिखी हुई हैं, जैसे कि कस्टमर सेगमेंटेशन जो मेन हेडिंग्स हैं इनकी। सबसे पहला होता है कस्टमर सेगमेंटेशन एप्लीकेशन, देन वी हैव मार्केट बास्केट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन एंड डिमांड प्रिडिक्शन। अब ये हैं क्या, इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सो कस्टमर सेगमेंटेशन, सो इसमें क्या होता है, बिजनेस यूज डेटा माइनिंग टेक्निक्स। सो बिजनेस यूज डाटा माइनिंग टेक्निक्स टू अंडरस्टैंड द कस्टमर। कस्टमर को समझने के लिए डाटा माइनिंग टेक्निक का यूज किया जाता है, टू अंडरस्टैंड कस्टमर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर C1 C2 को एक क्लस्टर के अंदर रखा, कस्टमर C3 C4 को एक क्लस्टर के अंदर रखा। अब जब हमें अपने बिजनेस को प्रमोट करना है तो हो सकता है कि मैं इन कस्टमर्स को टीवी की ऐड दिखाऊं डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट, और इन कस्टमर्स को मैं माइक्रोवेव की ऐड दिखाऊं डिपेंडिंग ऑन देयर इंटरेस्ट। तो इससे क्या होगा, कस्टमर का सेगमेंटेशन कर दिया हमने, कस्टमर को सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, और हमारे जो बिजनेस है उसका जो एडवर्टीजमेंट है वो बहुत ज़्यादा टारगेटेड कर दिया। सो दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डेटा माइनिंग, कस्टमर सेगमेंटेशन। द नेक्स्ट इज मार्केट बास्केट एनालिसिस। सो मार्केट बास्केट एनालिसिस जो है वो रिटेल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज आप एक मॉल के अंदर जाते हो और आपने वहाँ पे जाके ब्रेड परचेज की। अब अगर ब्रेड के साथ आप बटर भी ले रहे हो तो ये डिटेल आपकी स्टोर हो जाएगी कि आउट ऑफ 10 कस्टमर्स इफ 8 आर परचेजिंग बोथ देन बोथ विल बी कैप्ट नियर। ये एक डिसीजन हो सकता है जो मैं आपको बता रहा हूं कि 10 में से अगर 8 कस्टमर ने ब्रेड के साथ बटर भी लिया तो दोनों को एक साथ पास पास रखा जाएगा। तो ये जो मार्केट बास्केट एनालिसिस है ये एप्रोरी एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, दैट सेज एसोसिएशन रूल माइनिंग के ऊपर काम करता है। तो इसमें क्या करते हैं, हम एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे प्रोडक्ट को सेल करने का तरीका बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। देन द थर्ड इज रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट वाली जो एप्लीकेशन है वो बेसिकली कहाँ यूज होती है, जहाँ पे हम इंश्योरेंस कंपनीज की बात करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ यूज्ड बाय इंश्योरेंस कंपनीज। अभी क्या करती हैं, ये डाटा माइनिंग टेक्निक्स को यूज करके ये अनकवर करती हैं रिस्क को। ठीक है, सो सपोज एक कस्टमर आता है और उसका प्रोफाइल फिट होता है बैड क्रेडिट स्कोर के अंदर, तो अब कोई भी कंपनी इस कस्टमर को लोन नहीं देगी। और ये कैसे हम पता कर रहे हैं कि बैड क्रेडिट स्कोर में आ रहा है, विद द हेल्प ऑफ सम डाटा माइनिंग टेक्निक्स। उसके बाद आता है फ्रॉड डिटेक्शन। फ्रॉड डिटेक्शन का क्या है, बेसिकली इट इज़ यूज्ड बाय क्रेडिट कार्ड कंपनीज। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। बेसिकली ये कब होता है, जब हम एबनॉर्मल स्पेंडिंग करते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है जो मंथली सिर्फ 10,000 रुपये के आसपास, लगभग 10,000 रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्च करता है, और ये वो करता आ रहा है पिछले लेट अस से 3 ईयर्स। उसका कभी भी क्रेडिट कार्ड का जो मंथली बिल है वो 10,000 से ऊपर नहीं गया ऑन एन एवरेज। अब सडनली अगर इसका क्रेडिट कार्ड एकदम से स्वाइप हो जाए 50,000 के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज द अबनॉर्मल स्पेंडिंग। और ऐसा होते ही डाटा माइनिंग टेक्निक के द्वारा ये पता लग जाएगा दैट इट इज़ अ फ्रॉड, कि कोई हो सकता है कि कोई और यूज़र क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर रहा हो। सो दैट इज़ फ्रॉड डिटेक्शन।
इसके बाद आता है डिमांड प्रिडिक्शन, बिजनेस से एसोसिएटेड होता है, रिटेल और ऑनलाइन बिजनेस से एसोसिएटेड है। सो इसका मतलब क्या है कि सपोज पिछले कुछ सालों में एक कंपनी ने महसूस किया कि इन द मंथ ऑफ अगस्त एक प्रोडक्ट है, लेट अस से प्रोडक्ट ए, उसकी सेल इंक्रीज कर जाती है, कि अगस्त के महीने में प्रोडक्ट ए की सेल बढ़ जाती है हमेशा, पिछले 2 साल के अंदर 3 साल के अंदर उन्होंने ये एनालाइज किया। तो अब वो क्या करेंगे, देखते हुए पहले ही इन एडवांस दे विल हैव इनफ स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट ए, सो दैट इज डिमांड प्रिडिक्शन। सो ये कुछ एप्लीकेशंस थी यहाँ पे, कस्टमर सेगमेंटेशन, मार्केट बास्केट एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट, फ्रॉड डिटेक्शन एंड डिमांड प्रिडिक्शन। अब इसके बेनिफिट्स देखते हैं, डाटा माइनिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो हर इंडस्ट्री के अंदर बेनिफिट्स हैं इसके। सबसे पहले ऐसे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, अब एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स की कोई कंपनी है तो उसमें जो शिपिंग होती है, परचेज ऑर्डर के बीच में जो वेरिएशंस होते हैं, उन सबको डिटेक्ट करने के लिए, उनका क्रिमिनल बिहेवियर डिटेक्ट करने के लिए हम डाटा माइनिंग को यूज़ कर सकते हैं। सो इट इज़ यूजफुल इन अनकवरिंग ऑफ वेरिएशंस बिटवीन परचेज ऑर्डर ठीक है। सो हो सकता है कि एक ही प्रोडक्ट का परचेज ऑर्डर अगर 2 अलग अलग यूज़र बना रहे हैं और एक यूज़र अगर फ्रॉड करना चाह रहा था, वो परचेज ऑर्डर हाई प्राइस का बना देगा, तो वो एक इसमें तरीका है। देन मेल ऑर्डर का क्या होता है, एक कंपनी जो मेल ऑर्डर को यूज़ करती है वो इम्प्रूव कर सकती है डायरेक्ट मेल प्रमोशन थ्रू मोर टारगेटेड कैंपेन्स। सो इम्प्रूवमेंट इन द डायरेक्ट मेल प्रमोशन, किसी प्रोडक्ट की जो प्रमोशन करनी है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं थ्रू टारगेटेड यूज़र, क्योंकि अगर मुझे अपने यूज़र का प्रोफाइल पता है, उसका बिहेवियर पता है, उसका किस तरह का वो इंटरेस्ट रखता है, तो मैं बहुत ज़्यादा टारगेटेड प्रमोशन कर सकता हूँ। देन सुपरमार्केट का तो हमने यहाँ पे देखा ही था, दैट इज मार्केट बास्केट एनालिसिस। सो इन दिस द प्रोडक्ट्स आर सेल टुगेदर, कि 2 प्रोडक्ट्स को एक साथ बेचने की जो स्ट्रेटजी है उसका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एयरलाइन के अंदर, एयरलाइन क्या कर सकती है, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, दे कैन इंक्रीज देयर सेल्स by giving promotion or by giving some discounts to frequent flyers. So ऐसे frequent flyers को identify करके उनको कुछ discount provide करके अपनी sales को increase कर सकते हैं। Then the department store, so again they can increase their sales by anticipating the demand of a product. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो जुलाई के महीने में ही आप देखोगे कि जो मैक्सिमम शॉप्स होती हैं उसके अंदर जो शॉप ओनर है वो राखी रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब अगस्त आएगा, जब राखी का त्यौहार आएगा, फेस्टिवल आएगा, तो कोई सी भी दुकान हो, यूज़र जाके वहाँ से राखी परचेज करता है। तो इस तरह से अपना सेल को इंक्रीज कर सकता है कोई भी डिपार्टमेंट स्टोर वाला भी। देन इंश्योरेंस के अंदर, सो दे कैन प्रोवाइड लार्ज सम ऑफ मनी बाय डिटेक्टिंग फ्रॉड क्लेम्स, सो दे कैन सेव मनी बाय डिटेक्टिंग फ्रॉड क्लेम्स, और फ्रॉड क्लेम्स को डिटेक्ट करने के लिए डाटा माइनिंग टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। So this is for insurance. Then the last is the banks. So bank का क्या है, जो bank है जिसमें आपकी financial services सबसे ज़्यादा होती हैं, they can increase the leverage of direct marketing campaign. So they can increase their business by direct marketing campaign. So these are some of the benefits of data mining.
तो अब देखते हैं डाटा माइनिंग टास्क। सो डाटा माइनिंग के जो टास्क होते हैं उनको हम बेसिकली ब्रॉड वे में दो डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है प्रिडिक्टिव टास्क, और एक होता है डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, सो बेसिकली दो टास्क हैं, प्रिडिक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। अब प्रिडिक्टिव क्या कहता है, इट प्रिडिक्ट द वैल्यूज ऑफ डेटा बाय मेकिंग यूज ऑफ नोन रिजल्ट्स फ्रॉम अ डिफरेंट सेट ऑफ सैंपल डेटा। कि किसी दूसरे डेटा सेट के डेटा को यूज करके, उससे लर्न करके किसी डेटा के बारे में कुछ वैल्यू को प्रिडिक्ट करना, तो वो होता है प्रिडिक्टिव। देन डिस्क्रिप्टिव क्या कहते हैं हम, इट इनेबल्स यू टू डिटरमाइन पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन अ सैंपल ऑफ डेटा। कि एक डेटा के सैंपल में क्या क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न्स है, उसको हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव टास्क। सो प्रिडिक्टिव के चार डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्लासिफिकेशन, देन वी हैव दिस रिग्रेशन, प्रिडिक्शन, टाइम सीरीज एनालिसिस। सो क्लासिफिकेशन के अंदर क्या होता है, प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेस होती हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग है बेसिकली। सो प्री डिफाइंड सेट ऑफ क्लासेस, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो होती है, हम यूज़ करते हैं इसको क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के केस में, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन के अप्रूवल के केस में। देन रिग्रेशन, रिग्रेशन इज बेसिकली फॉरकास्टिंग फ्यूचर डाटा वैल्यूज। सो फॉरकास्टिंग फ्यूचर डाटा वैल्यूज, ठीक है। सो जैसे कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर फॉरकास्टिंग ऑफ पेंशन, तो इसको करने के लिए एक मैथमेटिकल फार्मूला है जिसका हम यूज़ करते हैं। सो मैथमेटिकल फार्मूला इज़ यूज्ड हियर इन रिग्रेशन। इसके बाद होता है प्रिडिक्शन, किसी भी डाटा की फ्यूचर स्टेट को प्रिडिक्ट करना। सो प्रिडिक्टिंग फ्यूचर स्टेट इज प्रिडिक्शन। जैसे कि जुलाई के महीने में बारिश होगी या नहीं होगी, या किसी एक एरिया में फ्लड आएगी या नहीं आएगी, तो उसकी एक एप्लीकेशन क्या है, फ्लडिंग। देन वी हैव दिस टाइम सीरीज एनालिसिस, इट इज प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वैल्यूज, इट इज प्रिडिक्टिंग फ्यूचर वैल्यूज बेस्ड ऑन टाइम। सो टाइम एक इसमें डिपेंडेंट फैक्टर होता है, तो जैसे कि स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट की जितनी भी एप्लीकेशन है वो क्या है, टाइम सीरीज एनालिसिस का एग्जांपल है। सो प्रिडिक्टिव में क्या क्या होगा, ये क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, प्रिडिक्शन एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड के अंदर, रिग्रेशन का होता है पेंशन कैलकुलेट करने में, प्रिडिक्शन का एग्जाम्पल आप फ्लडिंग कह सकते हो, टाइम सीरीज का स्टॉक मार्केट। तो ये हो गए चार डिफरेंट प्रिडिक्टिव टास्क। अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव की, तो सबसे पहले आता है इसमें क्लस्टरिंग, जो कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। सो नो नंबर ऑफ क्लासेस नोन, या नो क्लासेस नोन लिख दो, सिंपल अनसुपरवाइज्ड लर्निंग होता है, और ग्रुपिंग करने के काम में आता है। सो ग्रुप क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लस्टरिंग हम, ठीक है। सो इसकी जो एप्लीकेशन है वो है मार्केटिंग के अंदर, जैसे कि कस्टमर सेगमेंटेशन करना, वो सब हम क्लस्टरिंग में करते हैं। सीक्वेंस डिस्कवरी इज, इट इज सिमिलर टू टाइम सीरीज एनालिसिस एंड ARM बट टाइम बेस। सो सिमिलर टू ARM, ARM क्या होता है, दो डेटा के बीच में एसोसिएशन फाइंड करना। सो सिमिलर टू ARM बट टाइम डिपेंडेंट। ठीक है, सो इसका एक एग्जांपल है, वो होता है वेब पेज लिंकिंग के अंदर इसको हम यूज करते हैं सीक्वेंस, कि एक पेज के बाद कौन सा पेज हम ऐसे लिंक करें कि वो सबसे ज़्यादा विजिट हो। देन समराइजेशन, इट्स नथिंग, इट इज़ द सबसेट ऑफ डेटा, डेटा को समराइज करके रख लो, सबसेट बना के रख लो उसका। सो इसका यूज़ होता है TRS वैल्यू के अंदर, जो TV व्यूअरशिप है उसको हम पता करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। देन वी हैव द फाइनल, दैट इज़ एसोसिएशन रूल माइनिंग, जिसको हम बोलते हैं ARM। सो इसका जो यूज़ होता है वो होता है रिटेल के अंदर, सो रिटेल सेल्स के अंदर यूज़ होता है, और मार्केट बास्केट एनालिसिस जो हमने पीछे देखा, आप उसका पूरा इसमें लिख सकते हो।
सो मार्केट बास्केट एनालिसिस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या क्या देखे, क्लस्टरिंग है एक एग्जांपल, सीक्वेंस डिस्कवरी, समराइजेशन, एसोसिएशन रूल माइनिंग, देन क्लस्टरिंग का एग्जांपल मार्केटिंग, सीक्वेंस का वेब पेज लिंकिंग, समराइजेशन का टीआरएस है टीवी व्यूअरशिप, और एसोसिएशन रूल माइनिंग का रिटेल्स। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।